नासरी नाणे वारे वफाकी वजीर इसहाक डार चयो आए तो पंजाब ए केपी में चूंडन ला आइन में ते कल तरीके कार इख्तियार करण का सिवाय फंड जारी नथा करी सकूं। कौमी असेंबली में गालाइंदे नाणे वारे वफाकी वजीर इसहाक डार चयो आए तो चूंडन में 14 अरबे रुपए जो इजाफो खर्च भी थींदो पैसा मिली वन त 90 दिन में चूंडू थी वेंदियूं। छा पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल के घणी देर ताईं बर्दाश्त करे सघे थो? प्रोसेस ये है कि इस तरह की जो सप्लीमेंट्री आती हैं, डजन्स आती हैं और हर महीने आती हैं, टेक्निकल भी आती हैं, रेगुलर भी इक्का दुक्का आती है। कोशिश होती है हुकूमत की और वजारत खजाने की कि रेगुलर सप्लीमेंट्रीज अनलेस टोटली अनअवॉइडेबल वो आखिरी क्वार्टर से पहले ना दें। वो कहते हैं हम इसको फैसले नहीं मानते, वो 4-3 का फैसला है। यानी ये जो सवाल उठ रहा है कि हाउ कम के मनी बिल जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसका मनी बिल जो है वो कैसे रिजेक्ट हो गया, तो उसके पीछे रैशनल है। ये जो अपना पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए या नुमाइंदगान बैठे हुए हैं इस मौजूदा हाउस में, वो उस फैसले को कहते हैं, उसकी करारदाद में है कि हम इस फैसले को नहीं मानते। ये फैसला 4-3 है तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल वो जो एक जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बैटर को एक तरफ भी रख दें, तो हमने पूरी कोशिश की कि अगर हमें ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाए तो इसके तहत फिर हम एक चार्ज एक्सपेंडिचर के तौर पे वी कैन प्रोसीड। तो आपने देखा, आपने चेयर किया, इस हाउस में वो बिल पेश हुआ 81E के तहत, कैबिनेट ने अप्रूव किया और इस हाउस ने उसको अप्रूव नहीं किया, रिजेक्ट कर दी। नाउ ऑब्वियसली द हाउस इज सॉवरन, नोबडी कैन डू एनीथिंग। उसके नेक्स्ट हमने देखा कि फिर जो एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के तहत ये कहा गया कि जी नहीं, आप ये पेमेंट करें, स्टेट बैंक ये पेमेंट करें। नो, स्टेट बैंक कैन नॉट डिसबर्स मनी। इसका जो ट्रस्टी है, इसका जो ऑपरेटर है, वो फाइनेंस डिवीजन है। ये समझने वाली बात है। स्टेट बैंक ने यहां तक तो कंफर्म कर दिया कि हमने एलोकेट कर दिया है, जो हमारे FCF अकाउंट में पैसे पड़े हैं 21 बिलियन तक हमने उसको रोक लिया। आपको याद होगा, होता था चेक गुड फॉर पेमेंट, कि अगर मैंने अपना चेक इशू किया और मैं अपने बैंक के पास गया, वो जो मैंने जिसको देना है वो कहता नहीं भाई मुझे नहीं पता चेक होगा कि नहीं, वो पीछे गुड फॉर पेमेंट, वो आपके अकाउंट में उतना बैलेंस ब्लॉक कर लेते। तो स्टेट बैंक इस हद तक तो कर सकता था ऑर्डर पे अमल दरामद करने की, वो ये नहीं कर सकता था जो उनको कहा गया कि आप पैसे रिलीज कर दो। देयर इज नो सिस्टम इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमने इसको फॉलो कर लिया।